बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आप देख रहे हैं बाली न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं अनाया अब्बासियात। मैं उन शख्स से इंटरव्यू लेने जा रही हूं जो दूसरों से इंटरव्यू लेते हैं। जी बिलाल अब्बासी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं ठीक हूं। आप कैसी हो? मैं भी ठीक। आप इस शोबे में कैसे आए? इस शोबे में दरअसल मुझे अपने स्कूल दौर से थोड़ा लगाव था। अपने स्कूल दौर में जब हम स्कूल पढ़ा करते थे तो उस वक्त हम छोटी छोटी पेपर बना के उनको अखबारात की तरह शाया करते थे। जिस तरह आप लोगों की बुक्स हैं, किताबें हैं, कापियाँ हैं, तो हमारी जो कापियाँ होती थी ना, तो उनके जो पेपर थे वो निकाल के तो हम छोटा छोटा प्रिंट निकालते थे, उन पे फिर डेली हम खबरें लिखते थे। मैं था, मेरे कुछ दोस्त थे, तो उसका एडिटर मैं ही था। तो फिर हम शुरू में मैंने जो मेरी दिल लगी थी शुरू से ही पर इस शोबे से थी, तो स्कूल दौर से मैंने ये शुरू किया। जी, तो आपने पहला इंटरव्यू किससे लिया था? पहला इंटरव्यू जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है मैं भूल भी रहा हूँ, लेकिन मैंने अली शम्स अब्बासी से लिया था। उम्मीदवार बड़े चेयरमैन थे। आपको उस इंटरव्यू में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानियाँ देखें, पहले इंटरव्यू में होती हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, घबराहट होती है, काफी पसीने छूटते हैं इंसान। जी बिलाल, आपको इस फील्ड में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखो बेटा अनाया, ये फील्ड ही ऐसी है, इस फील्ड में अगर किसी की अच्छी खबर लगाएं तो दूसरे शख्स की अगर उसके अगेंस्ट खबर हो, उसके मुखालिफ हो, तो हमें बहुत सारी तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। हमारी मुखालफत बहुत ज़्यादा होती है, हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा बनते हैं, गैर जानबदारी का मुजाहरा भी लोग करते हैं, बहुत सारी मसाइल से हमें जो है ना गुजरना पड़ता है। तो मुश्किलात बहुत सारी आती हैं, कोई भी फील्ड है उसमें मुश्किल होती है, लेकिन गुजारा कर जाते हैं, कोई परवाह नहीं होती हमें, किसी किस्म की परवाह नहीं होती। हम जो काम करते हैं वो अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। बिलाल अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस चैनल को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, मैं आपसे चाहती हूँ कि अपनी अनाया अब्बासी को इजाज़त दें।